बंधे बंधे एक डोरी से। शिवानी, जरा ये खीर टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरा नेकलेस है। ये आपका है? पर अभी वीर प्रताप जी ने ये हमें गिफ्ट किया, पर वो फिल्म में काम करने के लिए। हम अभी आपको ये निकाल के देते हैं। अरे माधवी जी, रुकिए एक मिनट। प्रताप जी ने तो हद ही कर दी है। ये माधवी जी का नेकलेस हमें क्यों गिफ्ट किया है? मैं अभी जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मोंटी, तुम्हारे साथ नेक्स्ट स्केड्यूल डिस्कस करना है कल। हाँ, लेकिन कल मुझे बहुत लेट हो जाएगा, आज रात को मुझे काम है। वीर प्रताप जी। मोंटी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? गलती? ये नेकलेस, आप ये माधवी जी का नेकलेस हमें कैसे दे सकते हैं? माधवी का नेकलेस? शिवानी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि हमें खुद क्या हो शिवानी? बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? बहुत ही अजीब बात हुई है दादी जी। दादी जी, ये वीर प्रताप जी ने हमें माधवी जी का नेकलेस गिफ्ट में दिया है। हमें ये कुछ ठीक नहीं लगा। शिवानी, ये तुमसे किसने कहा कि ये नेकलेस मेरा है? ये क्या कह रही हैं आप माधवी जी? आप ही तो अभी अभी हमारे कमरे में आई थी, अभी खीर लेकर। तो आपने ही तो कहा कि ये आपका नेकलेस है। आप क्या कह रही है शिवानी? कैसी बातें कर रही हो? और मैं तुम्हारे कमरे में कब आई? मैं तो कब से तुमसे नहीं मिली। ये जो नेकलेस है ना, मैंने और वीर ने एक साथ जाकर खरीदा था तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। शिवानी बेटा, शूटिंग से तुम थकती जा रही हो, पर इतना स्ट्रेस मत लो। अरे शूटिंग ही तो है, जाओ जाके आराम करो। जाओ बेटा। मोंटी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? माधवी जी ने खुद हमारी आंखों के सामने बोला कि ये नेकलेस उनका है, तो फिर वो ऐसे मना कैसे कर सकती है? लेकिन माधवी जी क्यों हमसे झूठ बोलेंगी? हमने जो अपनी आंखों से देखा है, वो तो कैसे झुठला दे? कहीं कुछ तो
बहुत गलत हो रहा है इस घर में, कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माधवी जी ने वो मूरत वाली बात वो हमें गलत बताई हो? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हम रघु 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 को फोन करते। रघु प्लीज फोन उठाओ। ये रघु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आई होप वो ठीक हो। क्या हो रहा है हमारे साथ? मुबारक हो माधवी, आखिर आज वो दिन आ ही गया है जिसका हमें इतने समय तक इंतजार था।
शिवानी को मैंने दूध में नींद की गोली दे दी और रघु को आपने शहर के बाहर भेज दिया है। अब हमारा मकसद पूरा होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी इतनी सालों की तपस्या पूरी हो जाएगी माधवी। इसे दुल्हन की तरह सजा दो, ऐसा सजा दो इसे कि सारे देवता खुश हो जाएं। आज इस तपस्या के बाद हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी माधवी, पूरी हो जाएंगी। और ये शिवानी का फोन ऑफ हो गया। अब जो इतने दिन से हम दोनों इस पर काला जादू कर रहे हैं ना, उसे पूरा होने से रघु तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी चिंता रहती है बेबी जी को मेरी, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो एक बार कॉल कर लेता हूँ। फोन तो उठाना ही भूल गया। बीबीसी का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? कितनी खूबसूरत लग रही है शिवानी, ऐसी दुल्हन हम कितने सालों से ढूंढ रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूं माधवी, आज हमारी मेहनत सफल हो गई है।
अच्छा सुनो, अगर इस तपस्या में शिवानी की जान चली जाती है तो तुम तैयार हो ना? तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं होगा ना? वीर, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपकी खुशी के लिए ऐसी एक तो क्या हजारों शिवानी कुर्बान कर सकते हैं। वीर, हमें देर नहीं करनी चाहिए, शिवानी को कुएं पे ले जाने का वक्त हो गया है, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। जल्दी चलते हैं। चलिए। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। रखू आ गया है। तुम्हें पूरा यकीन है? मैंने देखा अभी उसे, वो अंदर आ रहा है और फिर उसने ये सब देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। क्या करें वीर? एक मिनट, मुझे मुझे सोचने दो। एक काम करती हूँ, मैं शिवानी के कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, उतना वक्त नहीं है हमारे पास, तब तक वो अंदर आ जाएगा। रघु, तुम? प्रताप जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो बहुत टेंशन हो गई थी, शूटिंग कल है और एन मौके पर समीर ने स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजेस डिमांड की थी, इसे मैं वही डिस्कस करने शिवानी के पास आया था लेकिन वो सो चुकी है। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? आपके पसीने आ रहे हैं, एसी भी ऑन है। पसीना? कुछ नहीं, वो तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि शूटिंग में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले एक प्रोड्यूसर की रातों की नींद हराम होती है, इसलिए ये पसीना आ गया होगा। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम तो कल सुबह आने वाले थे कैमरा लेकर। सॉरी वीर प्रताप जी, वो मैं जा ही रहा था लेकिन मुझे शिवानी की थोड़ी चिंता हुई तो मैं इसलिए। वो दरअसल बात यह है कि मेरे जाने से पहले वो बहुत घबराई हुई थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी, तो मैंने फ़ोन भी किया लेकिन उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था तो मैं देखने चला आया, मुझसे रहा नहीं गया। रियली सॉरी। पर वीर प्रताप जी, वैसे मैं कल सुबह चले जाऊँ, वैसे भी रात हो गई। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर
आप कहें तो मैं जा सकता हूँ अभी। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू। आपकी कार की चाबी। I'm sorry.